बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको एजुकेटिव्स पर वेलकम करता हूँ। दोस्तों, सिविल हॉस्पिटल में बहुत ही तादाद में जो है वो एमरजेंसी लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से ज़बरदस्त जो है वो असामियों का ऐलान किया गया है, जिसकी मुकम्मल तफसीलात हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। बहुत ही तादाद में जॉब्स हैं, देखें यहाँ पर आप और भी जॉब देख सकते हैं। ठीक है, हम बात कर रहे हैं सिविल हॉस्पिटल की। तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पे एंटर कीवर्ड टू सर्च के ऊपर क्लिक करता हूँ तो जॉब जो अनाउंसमेंट की गई है वो की गई है सिविल हॉस्पिटल कराची में, जो है वो जॉब्स अनाउंसमेंट की गई है। तो वहाँ पे हालात के मद्देनज़र जो है वो जॉब अनाउंसमेंट की गई है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कराची, मैंने सर्च के ऊपर लिखा सिर्फ कराची लिखा है, तो आप अपने सिटी, अपने सिंध, अपने प्रोविंस में सिर्फ यहाँ पर कीवर्ड लिखेंगे तो उसी के रिलेटेड आपको जॉब्स मिल जाएंगी। तो मैं जैसे यहाँ पर लिखता हूँ सर्च, तो जैसे मैंने सर्च के ऊपर क्लिक किया तो कराची के रिलेटेड जितनी भी जॉब्स आएंगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि educative.com के ऊपर जाते हैं और कराची मैंने लिखा तो कराची के रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज होंगी वो आपके सामने यहाँ पर शो हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉप के ऊपर आपके सामने नज़र आ रही है सिविल हॉस्पिटल कराची जॉब 2020 लेटेस्ट सेम वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट, और ये 400+ सीट्स हैं। और उसके बाद BPS 1 टू लेकर BPS 4 तक जो है वो जॉब अनाउंसमेंट की गई है, और यहाँ पर और भी काफ़ी तादाद में जो है वो कराची की जॉब जो है वो यहाँ पर हम शेयर की कर चुके हैं। तो आप यहां पर विजिट कर सकते हैं, सिर्फ कराची लिखना है और जॉब्स आ जाएंगे। तो हम बात करें सिविल हॉस्पिटल की, मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूं। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो आपके सामने उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, जिसकी मुकम्मल तफसीलात हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। जॉब लोकेशन आपकी कराची में होगी, उसके बाद पूरे सिंध के लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं। पब्लिश डेट इसकी है 27 जून 2020, आज के दिन जो है वो पब्लिश किया गया एडवर्टाइजमेंट। लास्ट डेट इसकी है 4 जुलाई 2020। न्यूज़पेपर है डॉन, ऑर्गेनाइजेशन है कराची सिविल हॉस्पिटल। एजुकेशन सिर्फ मैट्रिक वाले यहाँ पर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, पढ़े लिखे भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके मुकम्मल तफसील हम आपके साथ शेयर करते हैं। जॉब कैटेगरी है सरकारी, जॉब टाइप है टेम्प्रेरी। टेम्प्रेरी तौर पर जो है वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो है यह जॉब अनाउंसमेंट की गई है। ये एडवर्टाइजमेंट भी मौजूद है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन सी जॉब है। यहाँ पर नर्स एड है, उसका जो है वो 5वां स्केल है, उसके बाद उसकी जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 38 सीट्स हैं। उसका मिनिमम एज 18-30, सिंध का मैक्सिमम जो है वो डोमिसाइल होना चाहिए। मैट्रिक जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, रेलिवेंट फील्ड वाले को जो है वो अगर हायर क्वालिफिकेशन होगी उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। ब्लैक स्मिथ है, उसके बाद 5 सीट्स हैं, एक पोजीशन है, 18 से 35 साल है, सिंध है, मैट्रिक वाले अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद काफ़ी तादाद में जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑपरेटर है, मैन है, जूनियर स्टोर कीपर है, स्विच गैस मैकेनिक है, टेलीफोन ऑपरेटर है, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके बाद टिन स्मिथ है, उसके बाद वार्ड स्टोर कीपर है, लैब असिस्टेंट है, उसके बाद मिडवाइव्स है, ड्राइवर है, नर्सिंग ऑर्डरली है, कारपेंटर है। तो मैट्रिक भी यहाँ पर रिक्वायर्ड है, और उसके बाद यहाँ पर देख सकेंगे मैट्रिक साथ मिडिल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, एक्सरे अटेंडेंट। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है प्रेफरेबली लिटरेट। लिटरेट का मतलब है अगर आपके पास तालीम नहीं भी है, पढ़ा लिखा होना चाहिए, सिर्फ पढ़े लिखे होने वाले भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और काफ़ी तादाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर तरह की जॉब यहाँ पर अनाउंसमेंट की गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो है वो सिविल हॉस्पिटल कराची में जो है काफ़ी तादाद में जो है जॉब अनाउंसमेंट की गई है, और पूरे सिंध के डोमिसाइल किसके, पूरे सिंध के लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर बात की जाए अप्लाई करने की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हाउ टू अप्लाई इन कराची सिविल हॉस्पिटल जॉब। यहाँ पर अप्लाई करने का तरीका बहुत ही आसान है कि आप अपने एक सादा एप्लीकेशन लिखनी है, और उस एप्लीकेशन में आपका पूरा नाम होना चाहिए, आपके फादर का नाम होना चाहिए, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन हो, टेबल होना चाहिए, उसका एक्सपीरियंस हो, डेट ऑफ बर्थ हो, आईडी कार्ड, और उसके साथ उस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो है आपने टेस्ट फोटोकॉपीज किसी ऑफिस से करवानी है, कौन कौन सी आपका डोमिसाइल आप एंड PRC, उसके बाद 3 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, उसके बाद कुछ जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो, इन सबको आपने लिफाफे में डालना है। कॉर्नर के ऊपर अपनी पोस्ट का नाम, अपना मोबाइल नंबर, अपना नाम, उसके बाद अपना पता, और दूसरी साइड पे आपने क्या लिखना है मेडिकल सुपरिटेंडेंट DRO KMP FAU सिविल हॉस्पिटल कराची, यहाँ पर आपने जो है लिफाफे में करके इस डॉक्यूमेंट के ऊपर सेंड कर देना है। तो ये 7 दिन के अंदर अंदर आपने यहाँ पर अप्लाई करना है। और मैं आपको एक बात इसके थोड़ा सा बताता चलूँ कि इसमें सिर्फ और सिर्फ ये 89 डेज़ के लिए है। उन्होंने, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कोरोना के रिलेटेड है, तो 89 डेज़ के लिए ये जो है जॉब अनाउंसमेंट की गई है, जिसकी मुकम्मल तफसीलात हमने आपके साथ शेयर की। ये थी आज की हमारी एक लेटेस्ट वीडियो। इस तरह की और भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आप एजुकेटिव्स के साथ अपडेट रहते हैं रह सकते हैं। उसके बाद सिर्फ आपने educatives.com करना है, उसके बाद सिर्फ यहाँ पर सर्च के ऊपर क्लिक करना है और अपने सिर्फ प्रोविंस का नाम लिखना है, और आपको उस तरह की जो है लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो जॉब्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। तो काफ़ी तादाद में जो है जॉब्स अनाउंसमेंट की गई है, जिसकी मुकम्मल जो है वो हम लिंक के साथ आपके साथ जो है वो शेयर करते हैं। तो इसलिए जो है आप एजुकेटर के साथ अपडेट रहें ताकि आपको इस तरह के नोटिफिकेशंस भी मिलते रहें। ये थी आज की हमारी एक लेटेस्ट वीडियो कि सिविल हॉस्पिटल कराची में काफ़ी तादाद में जो है वो मर्द और ख़वातीन हज़रात के लिए नौकरी का ऐलान किया गया है। इसकी और भी मुकम्मल तफसीलात के लिए, मुकम्मल जॉब अपडेट्स के लिए आप एजुकेटर्स के साथ अपडेट रहें, बेल नोटिफिकेशन आइकन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि आपको इस तरह के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अब तक